हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके नजदीक में आते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी रात भर तूने मीठी नींद दिया, सुबह की रोशनी दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया प्रभु, नया सवेरा जोड़ दिया। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर की भलाइयों के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर का आदर कीजिए। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। मेरे प्रियो, इस समय में हम लोग कई ऐसे परिस्थितियों में हैं, तकलीफ में हैं, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया तकलीफ में है, लेकिन आज हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा छिपने का स्थान है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु के नजदीक में आइए। ये दुनिया परेशान में है, लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है, प्रभु के नजदीक में आने की जरूरत है। हम में से कई लोग कोरोना के नाम से वैक्सीन ले रहे होंगे, मेडिसिन ले रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको वैक्सीन के बारे में बताता हूं। उस वैक्सीन को लीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। उस वैक्सीन में सामर्थ्य है, उस वैक्सीन में अभिषेक है, और वो वैक्सीन है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम का वैक्सीन लीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम का मेडिसिन लीजिए। आज यीशु नाम आपको चंगाई देगा, वह तुझे महामारी से बचाएगा, महारोग से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, बहेलियों के जाल से बचाएगा, शैतान की चाल से बचाएगा। हालेलुया रब शंदर दन लरबा रिखा न लरथि न लरदन लरबा। मेरे प्रिय, आप में से कई लोग परेशान में होंगे, तकलीफ में होंगे, चिंताओं में होंगे, लेकिन आज यीशु नासरी का नाम का वैक्सीन लीजिए। यीशु नाम को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यीशु नाम आपके पास है, और यीशु का नाम ही आपको चंगाई देगा, यीशु का नाम ही आपको छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से ही वो वैक्सीन लेना चालू कर दीजिए, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए, प्रभु की महिमा करना चालू कर दीजिए, वचन पढ़ना चालू कर दीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। यीशु नाम का वैक्सीन आपको महामारी से बचाएगा, यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन आपको कोरोना से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया रब शंदरदन लरबा बाबा बाबा रशकन लरथिन लरबा। वो हमारा सहायक है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें तकलीफ से, मुसीबत से छुड़ाने में सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको छुड़ाएगा, महामारी से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड रब शंदरदन लरबा रिका नलरथि नलरदन लरबा बाबा रशकन लरथि। यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन लीजिए मेरे प्रियो, यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन आपको महामारी से जरूर बचाएगा। हालेलुया रब शंदरदन लरबा। मेरे खुदा, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, हर एक जन को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। खुदा यीशु मसीह नासरी का नाम उन्हें चंगाई देने वाला बन जाए,
यीशु नासरी के नाम में छुटकारा देने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हर एक जवानों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक माता और बहनों को, हर एक बच्चों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उन्हें महामारी से बचा, अंधकार की शक्तियों से बचा, शैतान की शक्तियों से बचा, इस कोरोना से बचा परमेश्वर। दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, छुटकारा दे। जिस स्थान से प्रार्थना करें उस स्थान को पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, और चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में होने पाए। बाबा बाबा रशक नलरथी रिखा नलरथी नलरदा नलरबा, तू चंगाई दे। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में मुक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन दीजिए, आज आपको महामारी से यीशु नाम का वैक्सीन बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया रब शंदरा दनला रब यीशु मसीह के नाम से। लोकल में प्रार्थना करना चाहता हूं, जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु, बेसहारा के समान पिता परमेश्वर पड़े हैं। पिता परमेश्वर तू बेसहारों का सहारा तू ही है। चंगाई और छुटकारा दे, उठाकर खड़ा कीजिए। उनके जीवन में से हर प्रकार का कोविड खत्म हो जाए, कोरोना की बीमारी भस्म हो जाए। प्रभु तू चंगाई दे, छुटकारा दे। उनके जीवन में से, उनके शरीर में से हर प्रकार के बुखार के कीटाणु, सर्दी जुखाम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तू चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर। और परमेश्वर पिता उन्हें महामारी से बचा यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो कई सालों से पिता परमेश्वर बेड पर ही पड़े हैं। पिता परमेश्वर उनकी हड्डी नस नस काम करने वाली बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से वो उठकर खड़े हो जाए, यीशु के नाम से उठकर खड़े हो जाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, प्रभु रहम कर। हाँ खुदा तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल माफी को देते हैं मेरे खुदा। इस समय में कई लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार घूम रहे खुदा। पिता परमेश्वर उनकी बेरोजगारी को तू दूर कर, उनके लिए तू जॉब का बिजनेस का प्रबंध कर। पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर अपनी नौकरी को खो दिए, अपने जॉब को खो दिए, अपने बिजनेस को खो दिए, लेकिन आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी खोया हुआ है परमेश्वर आज मिलने पाए। प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, और परमेश्वर पिता उनका बिजनेस अच्छे से चलने वाला बन जाए, उनका जॉब अच्छे से चलने वाला बन जाए। प्रभु दया कर, रहम कर, रहम कर यीशु, रहम कर यीशु। पिता परमेश्वर तू बचा लोगों को, बचा ले। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में उनकी गरीबी, उनकी परेशानी, उनके कर्जे खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर। हाँ खुदा तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल माफी को देते परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनके कोख को खोल दे, उन बहनों के कोख को खोल दे। पिता परमेश्वर जिन बहनों के अंदर गठान है, ट्यूब ब्लॉक है, आज ही खुल जाए। अंधकार की शक्ति आज ही खत्म हो जाए, शैतान की शक्तियां खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से उनकी गठान गल जाए, उनका ट्यूब खुल जाए, उनका कोख खुल जाए, और यीशु के नाम से आने वाले दिनों में उनके पास वंश होंगे खुदा। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हाँ खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे पिता। उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता जो अनाथ और विधवाएं हैं खुदा, जिनका कोई सहारा नहीं है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से बेसहारों का सहारा तू ही है, अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू ही है। उनकी जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर, अपने भाग से तू उन्हें खिला। पिता परमेश्वर उनका न्याय चुकाने वाला परमेश्वर तू ही है। पिता परमेश्वर तू छू ले और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उन्हें हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के महारोग से बचा। थैंक यू।
पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कोर्ट के केस में फंसे परमेश्वर, ऐसे कई भाई बहन है परमेश्वर जो कोर्ट के केस में फंसे परमेश्वर, उस भवर से निकल नहीं पा रहे परमेश्वर, उन तकलीफों से वो निकल नहीं पा रहे, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रिय भाई बहन इस परिस्थिति में फंसे परमेश्वर, तू उन्हें निकाल परमेश्वर, उस बेचैनी से निकाल, उस तकलीफ से निकाल, जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी फंसाया है, उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर, और वो कोर्ट का केस वापस लेने वाले बन जाए प्रभु, वो भी आपके राज्य के वारिस होने पाए, से प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू दया कर, रहम कर, कोर्ट के केस से बाहर निकाल कर, पिता परमेश्वर उसके भाई बहनों को तू छू ले, उनकी बेचैनी को दूर कर, उस डिप्रेशन से बाहर निकाल, उस कोर्ट के केस से बाहर निकाल, और उनके विश्वास को तू मजबूत कर परमेश्वर, यीशु के नाम से एक भी जन भटकने वाला ना बने परमेश्वर, तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं, हाँ यीशु, हाँ पिता, हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, हम सभी आपके हाथों में होते हैं खुदा, पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर लोग में प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनकी भूमि को किसी ने कब्जा किया है, पिता परमेश्वर पैसों को धोखे से लिया है अब वापिस लौटा नहीं रहे परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जीवन को बदल दे, जिन्होंने भी धोखा दिया है उनके जीवन को बदल दे, वो पैसे लौटाने वाले बन जाए, वो भूमि वापस लौटाने वाले बन जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं, हाँ खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर, पिता उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, उनका बिजनेस नहीं चल रहा प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनका बिजनेस चलने वाला बन जाए प्रभु, यीशु के नाम से जो रुकावटें हैं खत्म हो जाए प्रभु, दया कर प्रभु, रहम कर, हाँ खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो टूट रहा है परमेश्वर, दिन ब दिन टूट रहा है परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बीच में से हर प्रकार की लड़ाइयां झगड़ियां खत्म हो जाए, यीशु के नाम से बुराइयां खत्म हो जाए, टूटते हुए परिवार को तू बचा ले, बिखरते हुए परिवार को तू बचा ले खुदा, यीशु मसीह के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर उनके बीच में से हर प्रकार का पाप और अपराध खत्म हो जाए प्रभु, दया कर, एक साथ रहे प्रभु, अलग अलग ना हो परमेश्वर, यीशु के नाम से पाप और अपराध उनके बीच में से खत्म हो जाए, लड़ाइयां खत्म हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर वे एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल करने वाले बन जाए, अपने बच्चों का ख्याल करने वाले बन जाए, पिता तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, उन खंडारों को भर दे, उस सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहा खुदा, पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आपको देते हैं, उन प्रिय भाई बहनों के लिए, उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो तेरी राहों से भटक कर परमेश्वर पिता पाप की दुनिया में जा रहे, नशे की दुनिया में जा रहे, लड़ाई झगड़े की दुनिया में जा रहे परमेश्वर, तुमको बचा ले, नर्क की आग से बचा ले पिता परमेश्वर, पाप की राहों से पिता परमेश्वर तेरी राहों में आने वाले बन जाए, से प्रार्थना करता हूँ, उस पाप की दुनिया को, नशे की दुनिया को छोड़ने वाले बन जाए, यीशु तेरी राहों में आने वाले बन जाए प्रभु, दया कर, रहम कर, हाँ खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, उन प्रिय भाई बहनों के लिए, उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो शादी के लिए हो चुके हैं परमेश्वर, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो बार बार पिता परमेश्वर रिश्ता टूट रहा है, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया कर, आने वाले दिनों में विवाह के बंधन में बंधने वाले बन जाए, हाँ खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पिता परमेश्वर ऐसे कई जवान हैं, ऐसे कई प्रिय भाई बहन हैं जो बेरोजगार घूम रहे परमेश्वर, उनके लिए तू जॉब का और बिजनेस का प्रबंध कर, हाँ खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, मेरे प्रिय परमेश्वर के पास आइए, यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन लीजिए, परमेश्वर आपको महामारी से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, कोविड से बचाएगा, मेरे प्रियों यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन में सामर्थ है, अभिषेक है, वो आपको बचाएगा, हालेलुया, पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर,
उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर। पिता परमेश्वर ऊंचा उठा, परमेश्वर तेरी सेवा में ऊंचा उठा। परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर तेरे दास और दासी, और कई लोग पिता परमेश्वर परेशान में है, तकलीफ में है। पिता परमेश्वर तूने बच्चा, परमेश्वर तू बच्चा, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तू पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियों को बचा, परमेश्वर तेरे लोगों को बचा और अपनी महिमा को लीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हाँ खुदा, तूने प्रार्थना को सुन लिया। ऐसे कई परिवार है जो पिता परमेश्वर डूब रहे हैं, परमेश्वर बीमारी में है, तकलीफ में है। ऐसे कई परिवार है जो पिता परमेश्वर आज बेकार परिस्थिति में, लेकिन आज तूने उठाकर खड़ा करेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे किसान भाइयों को विशेष से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर। उनकी गरीबी, उनकी कंकाल पर दूर हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर हमारे भारत देश को बचा ले अंधकार की शक्तियों से, मूर्ति पूजा से तू बचा ले। परमेश्वर पाप की दुनिया खत्म हो जाए, परमेश्वर हमारे भारत देश से पाप और अपराध खत्म हो जाए, हमारे भारत देश से अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए। प्रार्थना करता प्रभु, और दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु, तू बचा ले। हाँ खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आपके को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक प्रार्थना निवेदनों को मैं फिर से तेरे पास लाता हूँ। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन ने बोला आमेन। मेरे प्रियो, यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन लीजिए। यीशु नासरी के नाम का वैक्सीन आपको महामारी से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, कोरोना से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास में मजबूत हो जाइए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको जरूर महामारी से बचाएगा। हालेलुया। स्वार्थ कलीसिया आपके हमेशा प्रार्थना करती है, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।